सीधी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिन दहाड़े हत्या कर आरोपियों ने दिया था पुलिस को खुली चुनौती। कियोक संचालक पुष्पेंद्र सिंह चौहान हत्या लूट के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भी कितना ही सातिर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है। पुलिस की सोच अपराधियों से एक कदम आगे चलती है, इसी का जीता जागता नमूना देखने को मिला सीधी जिले के पुलिस के कार्रवाई से। क्या है पूरा मामला? सीधी जिला अंतर्गत बहरी थाना के खेखरी ग्राम में दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को कियोक संचालक पुष्पेंद्र सिंह चौहान खेखरी ग्राम से अमरपुर कियोक सेंटर जा रहे थे। घर से 500 मीटर दूर पहुंचते ही हत्यारों ने कियोक संचालक पुष्पेंद्र सिंह चौहान पिता राजेंद्र बहादुर सिंह चौहान को रास्ते में रोककर आंख में मिर्ची पाउडर डाला, लूटकर लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की शाम से ही घटना की गंभीरता को देखते हुए सीधी पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी प्रमुख थाना प्रभारियों को अपराधियों की खोजबीन का जिम्मा दे दिया था, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा देर रात तक ही लगभग 20 संदेहियों को उठाकर पूछताछ किया, जिसमें से कुछ संदेहियों द्वारा हत्याकार लूट को अंजाम दिए जाना कबूल किया और रुपयों तथा कियोक्स बैंक संचालक की मशीनी एवं पहचान पत्र शिवपुरवा गाँव से ही बंधा से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में सभी 18 से 23 वर्ष के 9 युवक शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों इस प्रकार हैं। उक्त घटना में खेखरी निवासी दीपक सिंह पिता ब्रजेश मोहन सिंह उम्र 20 वर्ष, राहुल गहरवार पिता राजकुमार सिंह 18 वर्ष, सिंह पिता अभिषेक सिंह चौहान 18 वर्ष ग्राम शिवपुरवा, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी पिता रामेश्वर चतुर्वेदी उम्र 23 वर्ष निवासी घोघरा थाना कंवरजी, रवि सिंह परिहार पिता केशव सिंह परिहार उम्र 21 वर्ष निवासी बुढ़िया जिला रीवा को गिरफ्तार किया गया। यह सभी आरोपी हैं। रवि परिहार को पुलिस ने राजस्थान के अलवर गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपियों के कब्जे से आरोपियों की निशानदेही पर लूट की गई रकम और कर्वेस्ट कियोक्स बैंक संचालक संबंधित रजिस्टर मशीनें और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सत्यम सिंह के ग्राम शिवपुरवा स्थित आवास से कुछ दूरी पर ही एक बंधा में काला बैग छुपाकर रखे हुए थे, जिसमें 1,49,000 रुपये पुलिस ने पहले ही बरामद किए थे। हत्या और लूट की धाराएं लगाकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीधी पुलिस अधीक्षक तरुण नायक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया हत्या का खुलासा। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और राजस्थान से संदेहियों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। हिरासत में लिए गए संदेहियों के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने पूरी घटनाक्रम में इनको इनसे जो लूटी गई संपत्ति थी वो बरामद की गई और हत्या में करने घटना को प्रयुक्त करने में जो भी इनके द्वारा मोटरसाइकिल आदि इस्तेमाल किया था उसको भी पुलिस ने जब्त किया। इस पूरी घटना का मुख्य उद्देश्य लूट करना था। घटना के दौरान आरोपियों ने मृतक पर वार किया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभीों को गिरफ्तार करके लूटे गए पैसे और बाकी मशरू का बरामद कर लिया है और पुलिस अभी विवेचना कर रही है। प्रकरण अभी विवेचना में। पोल होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर